गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द, उसी का ठीक उल्टा है, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए इंटरेक्शन आर बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन की वैल्यू ए इंटरेक्शन अभी भी इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होती है, या तो इसकी वैल्यू लेस होगी या ज़्यादा होगी। एक चीज़ और देख लें आप, पी वन नॉट इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन, या ये कह सकते हैं पी टू नॉट इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू। ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता ना, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और इंटरेक्शन जो है इनका इक्वल नहीं होगा। या अब ऐसे में होता क्या है, या तो पी वन की वैल्यू पी वन नॉट एक्स वन से ज़्यादा होगा, या फिर पी वन नॉट एक्स वन से कम होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इसी पर हम आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशंस का ठीक अपोजिट होता है द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशंस ए बी इंटरेक्शंस इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ ए आर बी बी इंटरेक्शंस। तो ये इसका जो है फार्मूला था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो सच सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब राउल्ट्स लॉ के रूल को फॉलो न करना। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। दो तरह के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेविएशंस। एक शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दूसरा शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वो सॉल्यूशन शो करेंगे जिनमें ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन दैट ऑफ ए आर बी बी इंटरेक्शन। मतलब पॉजिटिव का मतलब तभी शो होगा जब ए बी इंटरेक्शन की वैल्यू लेस देन दैट ऑफ ए आर बी बी इंटरेक्शन, ये पॉजिटिव शो करेगा। और इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन ए बी इंटरेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए आर बी बी इंटरेक्शन। तो ये आपको ध्यान देना है। अभी हम बात करेंगे पहला पॉइंट का, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ही बेस बनाया गया है सॉल्यूशन को आइडियल आइडियल मानने के लिए। तो देखिए, आपने पहले बता दिया मैंने कि इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन
ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन, तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि यह ए का मॉलिक्यूल है, इसमें मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है पहले ज़्यादा लग रहा था, ए ए अट्रैक्शन ज़्यादा था, या यहाँ बी का लेते हैं तो बी में भी ये मॉलिक्यूल का जो इंट्रेक्शन था बी बी इंट्रेक्शन ज़्यादा था। जब मिला दिया सोल्यूशन दोनों का बना दिया तो इस तरीके से जो सोल्यूशन बना इसमें जो इंट्रेक्शन ए बी इंट्रेक्शन आ रहा है तो वह ए बी इंट्रेक्शन यह जो है लेस हो गया। तो ऐसे में जब फोर्स कम लगने लगा तो मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा वेपराइज होंगे और वह प्रेशर ज़्यादा काज करेंगे। तो यही रीज़न है इसका शो करने का पॉजिटिव डेविएशन, और इसको हम डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से इसमें एक डायग्राम हमको मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है एक्स वन इक्वल टू वन, एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, यह प्योर कंपोनेंट वन के लिए है, और यहाँ पे एक्स टू इक्वल टू वन और एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो। इधर पूरा जो लाइन है ये दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन को, ये मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एक्स टू जो है इधर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है और एक्स वन इधर इंक्रीज करेगा लेफ्ट जाने पर, ये आपको देखना है। और इस साइड में क्या दिखाना है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू वन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्योर कंपोनेंट के लिए पी वन नाट, एक्स टू यहाँ पर है वन है यहाँ हो जाएगा पी टू नाट। एक्चुअल में जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस तरीके से, ये हमारा वैल्यू आनी चाहिए। जैसे अगर आइडियल होगा तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा, लेकिन आइडियल सोल्यूशन अगर नहीं है तो इस तरीके से वैल्यू न आ करके वो पॉजिटिव डिस्टेंस शो करेगा। तो पॉजिटिव का मतलब होता है थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ये वैल्यू ऐसे शो करेगा इस तरीके से, ये ऐसे हो गया और ये जो वैल्यू है हमारी ये भी ऐसे हो जाएगी। तो ये हमारा जो वैल्यू है ये पी वन की वैल्यू है, ये पी टू का है, और ये जो वैल्यू आती है पी टोटल, इस तरीके से ये है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये शो करेगा। ये फिगर डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, एग्जांपल देख लीजिए, इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन में जैसे एग्जांपल ले लिया है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एसीटोन मिक्सचर, एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन इस तरह के फार्म करते हैं। जैसे इसमें देखा जाए इथेनॉल, इथेनॉल के मॉलिक्यूल में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से, इथेनॉल का मॉलिक्यूल है यहाँ डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, इसको अगर हम ए मानते हैं इसको भी ए मानते हैं तो यह स्ट्रांग फोर्स बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल। एसीटोन ले लीजिए तो यहाँ पर सी एच थ्री हो जाता है, सी एच थ्री यहाँ पर सी यहाँ पर सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया। एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर एसीटोन का, यहाँ सी एच थ्री यहाँ सी एच थ्री, एसीटोन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। जब देख रहे हैं कि यहाँ पर बी बी इंटरेक्शन है और यहाँ पर ए ए इंटरेक्शन है, जब इन दोनों को जब मिलाते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर्म करते हैं तो ये जो बॉन्ड यहाँ बना स्ट्रांग बॉन्ड, अब यह बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के अ फ्यू ऑफ ए ए इंटरेक्शन का जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इस तरीके से जो हमारा बनता है ए बी इंटरेक्शन,
इट बिकम्स लेस देन ए इंटरेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमारा मॉलिक्यूल और ज़्यादा वेपराइज होंगे, क्योंकि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है इसका? ड्यू टू ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक हो जाने के चलते इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये था आपका जो है पॉजिटिव डेविएशन। अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर देखिए, ठीक उसी का अपोजिट है। इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन, इसमें सॉल्यूशन जो होता है हमारा वही शो करेगा। यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ए इंटरेक्शन आर बी बी इंटरेक्शन। इन दोनों से इस कंडीशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसमें हम जो है इसका डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से डायग्राम इसका बनेगा। यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू वन, एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ एक्स टू इक्वल टू वन, एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो। इधर हम नीचे लिख दिए हैं मोल फ्रैक्शन। इधर एक्स वन एक्स टू जो है इंक्रीज करेगा, और इस साइड जाएंगे तो इधर एक्स वन इंक्रीज करेगा, और इधर है आपका वेपर प्रेशर ऊपर जाने पर इंक्रीज करेगा। एक्स वन के लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी वन नाट, और एक्स टू के लिए प्योर है तो यहाँ पर हो जाएगा पी टू नाट। हमारा जो वैल्यू हो है वह ये होनी चाहिए इस तरीके से, ये डायग्राम शो करते हैं फॉर आइडियलिटी शो करने के लिए, लेकिन आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव डेविएशन है। तो ये इसकी वैल्यू पहले से जितनी होनी चाहिए उससे ये एक्चुअल वैल्यू से कम आती है। ये वैल्यू जो आती है ये हमारा ये क्या है, ये पी टू की वैल्यू है पी टू। और यहाँ पर जो इसको ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ये पी वन की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लेस देन वैल्यू आएगी, ये भी आती है पी टोटल, मतलब पी वन प्लस पी टू। तो आइडियल बिहेवियर ये शो नहीं कर रहा है, लेस देन वैल्यू मतलब कि इसमें क्या होता है कि पी वन की जो वैल्यू है ये ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ पी वन नॉट एक्स वन, या पी टू की वैल्यू देखते हैं तो पी टू की वैल्यू ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ पी टू नॉट एक्स टू। तो इस इज आइडियल बिहेवियर का मतलब जो रॉबर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए वैल्यू, वो वैल्यू इसमें नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफार्म एनस्टोन मिक्सचर। एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफार्म एंड एसीटोन। देखिए जैसे क्लोरोफार्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और एसीटोन का CH3COCH3। इन दोनों मॉलिक्यूल में अलग अलग कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, समझिए मान लीजिए इसके ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, तो अगर एक और मॉलिक्यूल CHCl3 का हो तो, और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल हो CH3CO और CH3, तो इन दोनों में अलग अलग मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, मतलब इनमें वीक फोर्स फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये वेपराइज जो है ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग रहेंगे तो, लेकिन जब इनको मिला दिया तो इनमें दे फॉर्म एक सेटअप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ हो गया और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर हो गया एच सी, यहाँ पर सी एल थ्री हो गया सी एच सी एल थ्री। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पर डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस, तो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड बनती है। यहाँ पर देखिए यहाँ से इस तरीके से ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एसीटोन एंड क्लोरोफार्म मॉलिक्यूल द ए बी इंटरेक्शन बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ए एंड बी बी इंटरेक्शन, देयर फॉर द सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स ये था जो है ये आपकी नॉन आइडियलिटी सोल्यूशन का, और ये रीजन इसका ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने से इसके मॉलिक्यूलर वेपराइज और भी कम होंगे, और जितना होना चाहिए एज प्रिडिक्शन ऑफ राउल्ट्स लॉ उसके अकॉर्डिंग जो है ना आकर के, बल्कि उसकी वैल्यू उससे पहले से लेस आएगी। तो इस तरीके से ये था। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट डे हम कल फिर बात करेंगे इसी और टॉपिक पर। थैंक यू।